अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज जनाब हम बनाने लगे हैं अंडे वाला बर्गर, और कोई भी देसी फूड का शौकीन इंसान हो, अंडे वाला बर्गर उसको पसंद ना हो ये हो नहीं सकता। इस वीडियो में मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगी। एक तो शामी को हम स्टोर कैसे कर सकते हैं फ्रीज़र के अंदर, जिसके अंदर वो चिपके भी नहीं और लॉन्ग टाइम तक वो फ्रीज़ भी होकर रहें, और बच्चों के लंच में किस तरह इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और हमारा अल मशहूर अंडे वाला बर्गर। स्टार्ट करते हैं जी रेसिपी को। एक पाव चने की दाल है जिसको 2 घंटे भिगो के रखना है। 2 मीडियम साइज के आलू हैं। आधा प्याज लिया मैंने क्योंकि वो मीडियम साइज का था, अगर एक छोटा है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। 4 जवे लहसुन के, 1 आधा इंच का टुकड़ा ले लो अदरक का। मसालों में नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, अजवाइन, जीरा, दालचीनी और लौंग, सारी की सारी चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट्स, मेजरमेंट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से डिटेल से रेसिपी देख सकते हो। इसको जी मैंने 15 मिनट के लिए प्रेशर में डन कर लिया था। अगर आप देगची में डन करना चाहते हो तो 1 गिलास पानी का डालना और तकरीबन 45 से 50 मिनट्स के अंदर ये गल के तैयार हो जाएगी। सूखा धनिया कुटा हुआ और गरम मसाला, ये सारे के सारे मसाले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिटेल से आप वहाँ से देख सकते हो। ये सारा कुछ जनाब मैश कर लिया, और साथ में इसमें मैंने डाल दी हैं 3 हरी मिर्चें और धनिया। जिस टाइम मैंने इसको चॉपर में चॉप किया ना सारे मिक्सचर को, तो ये जनाब मैंने डन कर लिया है सारा मिक्सचर, और इसके कबाब बनाकर आप इस तरह हाफ टन करके रख लोगे ना, तो ये फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ करना बहुत इजी हो जाएगा। ये एक दूसरे के साथ चिपकेगा नहीं, आराम से 1 महीने तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। जब आपने सर्व करना है तो फिर शामी को निकालो फ्रीज़र में से, अंडा फेंटो और दोबारा से कोट करो इसको, और फ्राई करो, दोबारा से रीन्यू करो शामी को, और इसको सर्व कर दो। बहुत प्यारी शक्ल आएगी, अभी आप आगे देख लेना। और इसके अंडे वाला बर्गर बनाने का तरीका मैं आपको बताऊं तो, अंडा जो उसमें यूज़ किया जाता है उसके अंदर नमक और मिर्च डाल के उसको ऑमलेट नहीं बनाया जाता, वो फीका अंडा होता है जो अंडे वाले बर्गर में लगता है, ठीक है। जिस अंडे में हमने इसको डिप किया था उसी को हम डन करते हैं तवे के ऊपर। और तब तक जनाब मैं आपको याद दिला दूंगी, यूट्यूब की इस बड़ी सी दुनिया में छोटी छोटी आसान रेसिपीज और रेमेडीज़ वाला चैनल आप घूमना कर दें। उसके लिए ज़रूरी है कि भी रेड बटन को क्लिक करें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मज़े की आसान रेसिपीज़ और रेमेडीज़ चैनल पर अपलोडेड हैं, ज़रूर विजिट कीजिएगा। ये जनाब आप देख लो, शामी का कलर चेक करो, ज़बरदस्त रीन्यू हुआ है हमारा शामी, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने पहले इसको हाफ टन करके रखा हुआ था। काम आसान हो जाएगा, ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। अच्छा जी, अब वापस आते हैं अपने अंडे वाले बर्गर की तरफ। तो लॉन्ग बन ले लेंगे, सबसे मज़े का जायका और शक्ल तो इसी में ही आती है। जिस तवे के ऊपर हमने अंडा और शामी बनाया हुआ है उसी के ऊपर बन को दोबारा गर्म करेंगे हम, जिस तरह से बाजार वाले करते हैं बिल्कुल उसी तरह से, उतना ही सॉफ्ट हो जाता है ये बन। और इसके अंदर अब हम लगा देंगे, एक इस साइज का शामी आपने बनाया होगा तो ये एक बर्गर के अंदर इनफ होगा, ठीक है। साथ में सैलड मयो जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगा लो, लेकिन जहाँ से मैं खाती हूँ जिनका मुझे सबसे ज़्यादा मज़े का लगता है वो मयो यूज़ नहीं करते हैं, वो जस्ट कैचअप या चिली गार्लिक यूज़ करते हैं, और साथ में बंद गोभी और प्याज, इसके अलावा सैलड में वो कुछ भी यूज़ नहीं करते। हम भी इसी तरह करेंगे अब, क्योंकि अंडे वाला बर्गर है तो अंडा भर के लगाएंगे इसके अंदर, और जो सी भी सॉस आपको पसंद है वो आप लगा सकते हो, इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जिस तरह का भी बन कबाब या जिस तरह का भी अंडे वाला बर्गर आपको पसंद है उस तरह का आप बना सकते हो। ये जनाब एक शामी एक बर्गर में इनफ होता है। अगर आप फुल लोडेड किस्म का बनाना चाहते हो तो वो आपकी अपनी मर्जी, और अगर इस तरह सिंपल सा बनाना चाहते हो जो आराम से फोल्ड भी हो जाए, कट भी हो जाए, आराम से खाया भी जाए, मस भी ना हो, तो एक शामी छोटा साइज़ का और साथ में थोड़ा सा अंडा और सैलड ये इनफ होगा। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों के लंच में आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो एक शामी लें, सैंडविच मेकर के अंदर ब्रेड लगाएं और उसका बना दें सैंडविच सैंडविच मेकर के अंदर। आजकल जिस तरह से रात के टाइम पे गैस नहीं आ रही होती तो लेट नाइट क्रेविंग्स के लिए भी ये सैंडविच बहुत मज़े का रहता है, ईजी रहता है बनाना। ये थी जी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।